नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो है रजनीगंधा, जिसको निशिगंधा भी बोलते हैं। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो, ये है, ये सब जो प्लांट है, ये सब आप देख रहे हो, ये है रजनीगंधा का सब मेरा। देखिए ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये थोड़ा सा ग्रो मतलब हो रहा है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये भी ग्रो हो रहा है। देखिए ये थोड़ा सा बढ़ गया, मैं एक ही टाइम में ये सब प्लांट को मतलब बल्ब से इसको फिटिंग मतलब इसमें पॉटिंग किया था, तो अभी ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों ये जो रजनीगंधा का जो प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम है पोलिएंटस ट्यूब रोजा, जिसको मतलब इसका साइंटिफिक नेम होता है पोलिएंटस ट्यूब रोजा। रजनीगंधा को निशिगंधा भी बोलते हैं, वो तो मैं पहले ही बोला। ये ट्यूब रोज प्लांट को केवल भारत में ही रजनीगंधा इसको बोला जाता है। जिसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है रात का सुगंध। निशिगंधा जिसको बोलते हैं उसका मीनिंग होता है रात का सुगंध। ये जो आतर होता है ना, आतर जो परफ्यूम में यूज होता है, उसमें ये रजनीगंधा यूज होता है। इसको छोड़ के कैंडल, सोप एवं तेल में भी इसको व्यवहार हम लोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो इसको देखिए अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये थोड़ा सा बड़ा गमला में है, ये थोड़ा सा बड़ा गमला में है, इसीलिए अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। और ये भी देखिए मोटा मोटी इसको 6 इंच से 8 इंच का गमला चाहिए, ये थोड़ा छोटा हो गया, ये सब जो गमला है जो गमला देखिए छोटा हो गया, तो इसको ट्रांसफ़र करना होगा। मेरे पास जब मैं बल्ब लेके आया था तब तो यही पॉट मेरे पास था, तो इसमें मैं प्लांटिंग कर दिया था। तो अभी इसमें ये अच्छे से ग्रो नहीं होगा, जैसे कि ये ग्रो हो रहा है ये भी ग्रो हो जाएगा, लेकिन ये देखिए छोटा सा जगह में देखिए कितना सारा प्लांट है। तो इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा, वही वीडियो मैं कैसे आप ट्रांसफ़र करोगे यही वीडियो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। तो अच्छे से देखिए आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसको आप जब रिपोर्ट करोगे मतलब मैं आज इसको देखिए रिपोर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए चाहिए 8 इंच का गमला मिनिमम, या 6 इंच भी आप ले सकते हो या उससे ऊपर भी आप ले सकते हो। तो ये मेरा 8 इंच का गमला है, ये जो गमला ये क्या होता है, ये फ्लैट गमला है, ये देखिए अभी तूफान का टाइम है, ये ऐसे उल्टेगा नहीं, ये गमला आप यूज़ कर सकते हो, उलटता नहीं है। तो इसके ऊपर मैं पहले ड्रेनेज सिस्टम कर दे रहा हूँ। इसके ऊपर आप क्या करोगे, ऐसे थोड़ा सा स्पोन जो है वो लेके अब इसको एक लेयर कर दीजिए, थोड़ा सा वन लेयर कर दीजिए, ताकि पानी मतलब इसमें जमा होगा नहीं। अच्छा ड्रेनेज तो करना ही पड़ेगा, अगर कोई भी गमला का लिए गमले में अगर उगाना चाहते हो तो आप इसको अच्छा ये हो गया। उसके बाद जो मोटा बाली होता है बालू, वो देखिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये मेरा, मैं इसमें कोकोपीट में मिलाऊंगा, ये मेरा घर में बना हुआ कोकोपीट है, तो इसका जो अच्छे से जो नहीं हो पाया वो उसके ऊपर ऐसे दे रहा हूँ। और इसके लिए जो मैं मिट्टी कैसे आप यूज़ करोगे, मिट्टी देखिए ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसके ऊपर मैं कोकोपीट दे रहा हूँ। देखिए कोकोपीट हो गया, ये है वर्मी कंपोस्ट, दो मुट्ठी में इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रहा हूँ। और ये है नीमखोल, देखिए ये नीमखोल है, ये नीमखोल में ये भी दो मुट्ठी मैं दे रहा हूँ।
और इसके ऊपर आपको देना होगा कोई फंगिसाइड देना होगा और थोड़ा सा बालू भी इसमें मिला दीजिए ताकि अच्छा अच्छा से ये ड्रेनेज हो जाए। आप फंगिसाइड दे सकते हो, मैं लेकिन इसमें दिया नहीं है। देखिए इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर दिया, ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम। थोड़ा जम हो गया, अभी देखिए ये निकल गया। ये थोड़ा सा मैं सुबह पानी दिया था, ये शाम को मैं वीडियो कर रहा हूँ तो इसीलिए इसी कारण ये निकालने में थोड़ा असुविधा हुआ। कोई बात नहीं, मैं निकाल लिया। देखिए इसके कैसे रूट बाउंड हुआ है, थोड़ा सा ऐसे साइड से इसको मतलब जो रूट है वैसे कर दे। देखिए मेरा ये जो ड्रेनेज सिस्टम वो दिखाया, ये थोड़ा सा मिट्टी भर दिया। फिर देखिए ये जो मैं पार्ट ये चौड़ा गमला है, देखिए मैं इसको अलग कर लिया। देखिए एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीन पार्ट, तीनों को थोड़ा सा मतलब दूर दूर तक इसको थोड़ा सा दूर बैठा दिया, जैसे कि ये सब गमला में एक साथ है। ये इस तरह से ही आपको बैठाना होगा। तो दोस्तों अभी इसको तो मैं प्लांटिंग कर दूंगा, ऐसे चाप लें थोड़ा सा। तो दोस्तों इसको जो है मतलब कम से कम 6 से 7 घंटा का धूप इसको चाहिए। सुबह का धूप हो तो बहुत ही अच्छा है, सुबह का धूप सभी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। एवं कड़वा धूप जो है उसी में इसका जो पत्ती जो है वो मुझरा जाता है। देखिए इसको मैं प्लांटिंग कर रहा हूँ। अगर इसी इस टाइम पे मार्च में, फरवरी का एंड में, अप्रैल में, अप्रैल का शुरू में मतलब अभी 10 तारीख हुआ है, इसी टाइम में अगर इसको प्लांटिंग करोगे आप तो आपको मतलब नवंबर अक्टूबर तक इसमें फ्लावर मिल जाएगा। देखिए कैसे मैं इसको थोड़ा दूर दूर मतलब थोड़ा सा, देखिए कैसे प्लांटिंग कर दिया। इसी तरह से आप अगर प्लांटिंग करोगे तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा। और जो सॉइल के बारे में मैं बोला, उसी तरह का सॉइल आपको लेना होगा और सप्ताह में एक दिन नीम ऑयल या कोई भी फंगिसाइड आपको इसमें स्प्रे करना होगा। और अभी जो प्लांटिंग हो गया मतलब रिपोर्टिंग, ये तो मैं बल्ब से नहीं दिखाया आपको, इसका नीचे ही बल्ब था वो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो आपको मतलब हफ्ता में एक दिन इसको फंगिसाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों इसको ऐसे जगह में रखे जहाँ पे धूप लगे, 6 से 7 घंटा मोटा मोटी तक इसको धूप लगे। और प्लांटिंग के बाद एक महीना इसी में कुछ भी कंपोस्ट मतलब कुछ भी खाद यूज़ ना करें। तो इसी तरीके से आप अपना जो रजनीगंधा, जो निशिगंधा बोलते हैं, रिपोर्टिंग करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप बल्ब से लाके कोई भी छोटा जगह में पहले आप उसको बैठा दीजिए, उसके बाद एक महीना या 2 महीना बाद उसको रिपोर्टिंग कर दे थोड़ा सा चौड़ा जगह में, 8 इंच का पॉट मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल में जो नए हो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट्स भी ज़रूर से बोलें आपको कैसे लगे। तो प्लांटिंग के बाद दोस्तों अच्छे से पानी दे दे, जैसे मैं दे रहा हूँ, देखिए भरपूर उसमें पानी दे दीजिए। तो दोस्तों आपको अच्छा ही लगा होगा मेरा वीडियो, और कोई भी मतलब प्लांटिंग अगर आप करना चाहते हो तो शाम के टाइम करें तो आपको मतलब रात का जो रात में तो धूप नहीं आता वो
अच्छा होता है कोई भी प्लांट के लिए। देखिए मैं पूरा इसमें पानी दे दिया। नमस्कार मेरे दोस्तों।